हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नई रेसिपी। तो नई रेसिपी क्या है ये देखिए। तो ये है गोलगप्पे और वो भी होममेड गोलगप्पे। और साइज देखिए इसके कितने हैवी। खाऊंगी कैसे मैं इसे, मीठा नहीं ना डाले हो। और गाइस गोलगप्पे यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के से दिखाती हूँ। आवाज़ देखिए मस्त आ रहा है, मतलब गोलगप्पे बहुत टेस्टी बने हैं। तो चलिए गाइज आपको रेसिपी दिखाती हूँ मैं, फिर मिलते हैं। हे गाइज कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरी हालत देख के आप सब समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कितनी गर्मी लग रही है, पसीने आप देख सकते हैं फेस पे कितने ज़्यादा हो रखे हैं। और आज मैं बना रही हूँ ना सभी के फेवरेट है ना, सभी के फ्रेंड मेरे हिसाब से सभी के फेवरेट है। तो वो क्या है मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए। तो ये ना मैं फ्रेंड घर पे बना रही हूँ, आपको बिलीव करिए। ये देखिए और ये देखिए कढ़ाई, ये रहे पके बने हुए, ये रहे। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। तो हे गाइस यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ आटे वाले गोलगप्पे। और इतने में बना ली हूँ, बाकी के मैं बना रही हूँ। और कितने मस्त, कितने यमी और कितने फुले फुले से करारे गोलगप्पे बन के तैयार हुए, एकदम मस्त फ्रेंड। और गोलगप्पे का साइज थोड़ा बड़ा है क्योंकि मैं इसे ना थोड़ा छोटा छोटा बना रही हूँ, पर मैं सोचा छोटा बनाऊंगी फिर छोटा के लिए कटर चाहिए, ग्लास चाहिए। तो मैं ऐसे ही पेड़े बना बना के इसको बेलती रही और करारे करारे गोलगप्पे कितने क्रंची बन के तैयार हुए आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे हैं। और फ्लेम का आपको पूरा ध्यान रखना है फ्रेंड, हाई फ्लेम पर गोलगप्पे डालने हैं आपको और लो फ्लेम पर उसको तलने हैं। मैं वैसे ही करके गोलगप्पे तल रही हूँ और देख सकते हो गोलगप्पे कर रहा हूँ, कितना मस्त आया, एकदम रेडीमेड गोलगप्पे लग रहे हैं फ्रेंड। लग ही नहीं रहे कि ये घर के बने हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हो कितना क्रंची है और एकदम रेडीमेड गोलगप्पे लग रहे हैं। तो और मैं बना के तैयार करके रख ली हूँ और देखिए कितने मस्त यमी। और ये देखिए छोटे छोटे मैं बना के रखी थी प्लेट में इतने सारे, और अभी इनको भी मैं तलूँगी। तो बाकी जितने मैं तल ली हूँ उसको साइड रख दूँगी। और देखिए कढ़ाई रखना है फ्रेंड उस पे गैस पे, फ्लेम को करना है फुल हाई और बनाने हैं। और गोलगप्पे ऐसी चीज़ है ना कि किसी को भी अगर इसका नाम सुनने को मिल जाए ना तो उसके मुंह में पानी आ ही जाता है नाम सुन के। और मेरा तो फेवरेट है, मैं एक रेडी वाले आते हैं जो रेगुलर बेचने हम लोग के यहाँ, उनसे मैं 50-60 रुपए के गोलगप्पे डेली खाती हूँ, बट बहुत महंगे हो जाते फ्रेंड, 10 के 3 ही मिलते हैं। तो 100 के भी खा लो ना तो भी मन नहीं फिरता। तो खाते तो ऐसे हम लोग डेली ही हैं, 50-60 रुपए के खा ही लेते हैं डेली, कई बार 100 के भी खा लेते हैं, बट घर का बना बना हो जाता है। और ये देखिए शाम को मौसम कितना अच्छा हो गया था, अचानक ही धूप का फ्रेंड, और अचानक ही मौसम किस तरीके का हो गया आप देख सकते हो, एकदम काले काले बादल घेर लिए थे और एकदम मौसम ठंडा हो गया था, हवा चलने लगी थी और थोड़ी ही देर बाद बारिश भी होने लगी थी फ्रेंड। बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, मतलब 6 बजे से लेकर ना रात 10 बजे तक बारिश होती रही, ऐसा मौसम हो गया था। तो बारिश हुई रात को और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे, मैं भी आके आंगन में बैठी क्योंकि हवा बहुत अच्छा चल रहा था, लाइट चली गई थी, अंदर नहीं गई थी, मैं बाहर ही बैठी थी और एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और सब्जियां जो मैं लगाई वो भी आप देखिए, मेरी तोरी की बेल जो है ना वो दीवारों पे चढ़ गई है और सपोर्ट कोई नहीं है फ्रेंड, ऐसे ही अपने मन से चढ़े जा रही है, चल कोई नहीं फल लगने लग जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। और मौसम आप देख सकते हो कितना मस्त सुहाना रोमांटिक मौसम हो रखा है, और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गोलगप्पे खाएंगे बहुत मज़ा आ जाएगा फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। तो है गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोग वीडियो में देखे थे कि मैं बना रही थी गोलगप्पे और उसके आगे का व्यू और उसका गोलगप्पे बनाने का रिजल्ट ये देखिए। एक इतना बड़ा जो पतीला होता है ना उसमें भर के मैं गोलगप्पे बनाई हूँ ढेर सारे, और ये बिल्कुल बड़े बड़े गोलगप्पे फ्रेंड, खाएंगे कैसे हम लोग।
और एक ये देखिए, आज पता लगेगा फ्रेंड्स किसका बड़ा मुंह है सुनने के टाइम पे। तो गोलगप्पे बहुत ही सॉफ्ट थे फ्रेंड, टूट गए। तो सब बना कैसा है? पानी सब नीचे आ गया, गोलगप्पा लू मुंह में चला गया गाइस। कैसा बना है? क्रंची है? आलू कैसा है? तीखा चटपटा है? मजा आ गया खा के कि नहीं? एक गोलगप्पे में पेट फुल। आन पे धन पे गाइस, किसी का मीठा, किसी का आलू, किसी का खाली गोलगप्पे पे थोड़ी रह जाता। ओह माय गॉड, आलू ये मैं घर पे बनाई और कैसी बात करते हो तुम? ये बात है, मैं सोच रही आलू ही है। ये सालों में और इस सालों में फर्क नहीं दिख रहा है फ्रेंड। 20 रुपए के ये गोलगप्पे रेडीमेड लेके आए, क्योंकि खट्टा पानी बनाने के टाइम पे क्या हुआ, पुदीना भी घर पे नहीं, धनिया भी घर पे नहीं था और लाइट भी घर पे नहीं था। बनाने वाला था, नमक तेल पे भी बना देता है, ऐसी बात थोड़ी है। अब तुमको नमक और तेल वाला खट्टा खिलाओगे? ये बंदा मेरा ऐसा है ना फ्रेंड, कोई भी चीज बना के खिला तो तारीफ नहीं कर सकता सिवाय बेइज्जती के। गाइस ज्यादा तारीफ करेंगे तो जो भी मिल रहा है खाने के लिए वो भी नहीं मिलेगा। और बेइज्जती करने पे, बेइज्जती करने पे कौन बना के खिलाता है आप बताइए? बेइज्जती करने पे कोई आदमी सोचता है कि चलिए बढ़िया बढ़िया से बना के 3 रुपए चलो खाएंगे तो किसी दिन तो अच्छा बोलेंगे। अब मैं बनाना, नॉर्मली बोलो, हाँ ठीक है बस ठीक है, उसे बोल के मैं बनाना कैंसिल। चलो आज के बाद मैं नहीं बनाऊंगी फ्रेंड गोलगप्पा, कभी नहीं बनाऊंगी। मस्त क्रंची क्रंची गोलगप्पे में बनाए, गोलगप्पे तो अच्छे बने गाइस, ऐसी बात नहीं है। आलू भी ये देखिए, आलू मैं खुद उबाली, सारी सामग्री अपनी खुद हाथ से बनाएंगी तब बोल सकता हूँ अच्छा बना। यार इसमें मैं सारे कुछ मैं सारा कुछ बनाई हूँ, बस एक नहीं बनाई हूँ। देख लीजिए फ्रेंड, सारा कुछ मैं बनाई इसमें, खट्टा मैं बनाई, खट्टा सॉरी खट्टा नहीं बनाई हूँ। खट्टा बनाने के लिए फ्रेंड धनिया, हरा धनिया चाहिए जो कि घर में नहीं था मेरे, पुदीना भी नहीं था। तो और दूसरी बात ये थी, चल मैं इमली का खट्टा बना सकती थी, इमली का खट्टा मैं बना सकती थी, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि लाइट चला गया एंड टाइम पे, और अभी बारिश का मौसम हो गया, बाहर बारिश बहुत तेज से हो रही है, इसलिए फिर मैं इनसे बोली कि तुम गोलगप्पे, पहले तो मैं घर पे ही बनाने वाली थी, आलू वगैरह बॉइल करके रख ली थी और खट्टा भी बनाने जा रही थी, इमली भी गोने, फिर जब मौसम हो गया खराब, लाइट चला गया, इसलिए मैं बोली इनको कि तुम गोलगप्पे लेते आना। तो 20 के गोलगप्पे लेके आए फ्रेंड, और एक रेडी वाला आया गोलगप्पे के, उनसे भी इतना सारा पानी ले ली, तो काम हमारा बन गया। और चलिए चलिए छोड़िए ऐसी बात नहीं, चलो जो भी बना अच्छा बना है, खाओ पियो मौज करो। हे गाइस, जब हम लोग गोलगप्पे खा लिए हैं और मन और पेट दोनों भर गया है ना जी, कैसा लगा वो सीरियसली बताना, मजाक नहीं है। गाइस पेट फूल हो गया, मस्त हो गया। मन भी भर गया नहीं खाके, और इतना सारा बच भी गया फ्रेंड, ये देखिए आपको पता ही है गाइस, घर पे पेट भी भर खा सकते हैं, बाहर तो खाया नहीं जा सकता, इतना जमाना महंगाई का हो गया है बहुत ही ज्यादा फ्रेंड। 10 रुपए के 3 या 4 गोलगप्पे देते हैं खाने के लिए, और मेरा मन होते हुए भी मैं कंट्रोल करके बस 10-20 रुपए के खा लेती हूँ। कभी कभी 100 का भी खा जाती है, कभी कभी नहीं, 50-50 के रोज ही खाते हैं। तो बस फ्रेंड ये होता है कि अगर चाहो भी ना खाना तो भी नहीं खा सकते, महंगाई इतनी है, पर हम जिसका मन हो खाने का उसको तो खाना ही है। 50 के हम लोग रोज गोलगप्पे खा लेते हैं, और रेडी हम लोग के गली में आती है, रोज खाते हैं फ्रेंड, रोज के रोज। 20 के बच्चे, 30 के हम दोनों खा लेते हैं, खा लेते, कई बार सोके भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर खा लेते हैं। तो मैं सोची कि चलो आज घर पे ट्राई करते, घर पे बनाते कैसे बनते हैं, और गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बने थे और क्रंची बहुत बने थे फ्रेंड, खाने में बहुत ही टेस्टी थे। बस खाने थे, उन्हें कुछ नहीं होता, तुम भी खाओ, उन्हें दोनों ने मिलके खा बेटे, दोनों ने मिलके खाओ, बेड गंदा ना, कॉकरोच आ जाएगा रात को, ठीक है। तो अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए ना फ्रेंड तो कमेंट करिएगा, मैं आपको फुल रेसिपी भी दूंगी, और खट्टे पानी का भी, मीठे पानी का भी, और गोलगप्पे का भी। आता तो नहीं है बनाने पर, ट्राई जरूर करूंगी बनाने के लिए। गोलगप्पे आलू बनाने आता है, खट्टा पानी बनाने आता है, मीठा पानी नहीं बनाने आता, पर प्रैक्टिस करूंगी कि वो भी मैं आपको बना के दिखाऊं। तो चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मेरे लिए हस्बैंड जी लाए थे नूडल, आधा खत्म हो गया, आधा बच गया है, और ये हस्बैंड जी का बर्गर, तो बर्गर खाने की तुम्हारी, तो बर्गर खाना है मारी है मारी।
तो देखिए गाइस बर्गर भी मेरे ऊपर डाल दिए ये लोग, और इनको पता है कि बर्गर मुझे पसंद नहीं है, बर्गर मैं नहीं खाना चाहती। मैं खोल बेटा खराब हो जाएगा, गर्म है ठंडा हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ खराब हो जाएगा। बाबू लो खा लो यार, खराब हो जाएगा फिर खाने लायक बचेगा नहीं। किसी के पापा खाता नहीं, मैं खिलाते तुमको रुक जाओ। अजा भी चलो पापा खिलाएंगे तो खा लेना। सीधा उठ के बैठ, उठ जा बेटा उठ जा जल्दी। रौनक भी देखिए न्यूडल खा रहा था, तो अभी बच्चे भी खा के फुल हो गए। देखो देखो बच्चे भी खाए गए, खा के फुल हो गए हैं, हम लोग भी खा के फुल हो गए हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। रौनक कमी फुल हो गया सारा, और कुछ खाया पेट भर गया, क्या क्या खाए हो? देखिए गाइस चौमिन बर्गर और गोलगप्पे खाए हैं, इतनी सारी चीजें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाकी का जो बचा हुआ हमारा वो गोलगप्पे है उसको रख देते हैं, कल खा लेंगे। तो चलिए जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।